हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड विद रीता। तो आज मैं आपको मूंग दाल का चटपटा और हेल्थी नाश्ता बनाना सिखाऊंगी, जिसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हरी मूंग दाल को धोकर 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डालकर भिगो कर लिया है। अब इसे हम पीसने के लिए एक जार में डाल देंगे और उसी में हरी धनिया, 4 से 5 लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और थोड़ा पानी डालकर एकदम पतला पीस लेंगे इस तरह से। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, थोड़ा पानी डालकर बचा हुआ भी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसे जब आप चम्मच से गिराकर देखेंगे तो कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और एक आलू को कद्दूकस से ग्रेट करके डालेंगे। फिर इसी के साथ बारीक कटा हुआ टमाटर भी डालेंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। फिर एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल को डालकर गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तब इसमें हम जीरा और हींग को डालकर भूनेंगे। फिर इसके बाद इसे में हम मूंग दाल का मिक्सचर डाल देंगे और आधा नींबू का रस भी डालेंगे। फिर लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे, 6 से 7 मिनट के बाद जब ये एकदम गाढ़ा हो जाए तब एक बर्तन में ऑयल लगाकर उसमें दाल का मिक्सचर डालेंगे। और एकदम बराबर चारों तरफ फैलाकर इसे सेट कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसे ठंडा होने के लिए 1 घंटे तक पंखे की हवा में ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं ये ठंडा होकर एकदम अच्छे से सेट हो गया है और इसे किनारे से छुटाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से ये बाहर भी निकल गया, बिल्कुल भी बर्तन में नहीं चिपका है। इसी तरह सारे पीसेस को एक एक करके बाहर निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खाकर ट्राई कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। और आप चाहे तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करके इसमें थोड़ा सा राई यानी कि सरसों के दाने, थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे। अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें एक एक करके सारे पीसेस को डालकर इसे फ्राई भी कर सकते हैं। पलट पलट कर इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसे निकाल देंगे। और गर्मा गर्म अपनी पसंद की चटपटी चटनी के साथ खाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।